देखा कि यहाँ जो कृषि मेरा लगा हुआ था जिला पटना में, यहाँ पर अपने कृषि मंत्री जो बादल पाटिल है और अपने सीरिया विधायक नरेश सिंह अपने जिला पटना में आए हुए थे, उन्होंने आज इसका कार्यक्रम किया, काफ़ी अच्छा लगा हमें, चाहता हूँ हम लोग भी काफ़ी अच्छा लगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक फाइटर मुर्गा भी रखा गया है देहात में और अच्छी खासी हाइट है इसकी, कम से कम 20 या 22 की हाइट होगी। मैं मिस कर गया, मेरे पास भी एक अच्छा खासा और घर में असील ब्रीड का हजरा ब्रीड का मुर्गा था, मगर मैं ला नहीं पाया किसी बस। फिलहाल मैं सब्जी लेकर आया हूँ, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस होता है अपना। आप वीडियो में बने रहिए। ये है कड़कनाथ, जो लोगों को बोला जाता है कि इसका फूल से आँख से लेकर के पैर से लेकर के मीट तक काला होता है, तो ये है कड़कनाथ। चले मंत्री है श्री मंत्री बादल पाटिल है, कुछ बधा चुके हैं चुके हैं। का अपना झारखंड संस्कृति के द्वारा किया जा रहा है, तरफ से आए हुए कि कौन चाहिए क्या सही है, और ये हमारे अशोक भाई साहब ढोकरा से आए पढ़ाई करो, ये भी एक अच्छे खासा नंबर चलाते हैं माध्यम से संचालित हो रहा है। और अभी अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वैसे किसान लाभान्वित हो रहे हैं जो केसीसी बनाने के बावजूद उसको मत्स्य विभाग से है। ये कर्नाटक के द्वारा किसान को थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं यहाँ के जो दोस्त हैं। संग
सोना रकम झरकन छोड़ी हमने परदेश काहे जा झरकन दीभा सोना रकम झरकन छोड़ी हमने परदेश काहे जा हम रही सोना चांदी को लाभ रखे ढे घर तेरे चौवा कुत्ता पढ़ ले माइक भे पढ़ लिख के नवाब हो रे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आप अभी वीडियो में बने रहिए, आगे और भी मतलब बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी और हमारे सभी दर्शक जरिया विधायक भाई बंधु बहने आप सभी को जो आए हैं और सबको मतलब संबोधित कर रहे हैं और ये बहुत ही और सबसे बड़ा कारण अभी हमारे बने रहिएगा आखिर तक। आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर आना है, बैठना है, चले जाना है? कुंडी विधायक यहाँ पर आना है, सीखना है। मैं जब से आई हूँ एक प्रयास होना चाहिए निश्चित एक प्रयास होना चाहिए कि आप सब यहाँ से कुछ लेकर जाएं। और एक बार माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी का फिर से आभार। मंचा सिंह और ये जिले के लोकप्रिय उपायुक्त हमारे मैथस विभाग के श्री उमाशंकर सिंह जी और नेता दिवस धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, मंचा सिंह
हमारे कृषि विभाग के कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी और इस जिले के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सभी अधिकारी कर्मी, इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु सुदूर गांव से आए हुए ग्रामीण किसान भाई बहनों, देवियों सज्जनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रोमिनेटेड एरिया जाना जाता है, लेकिन तकरीबन इसी माइंस के बीच में 8 प्रखंडों में किसान का मुख्य जीविका कृषि है और इसी से वो जीवन यापन करते हैं। हम लोग सत्ता में आए थे इसमें हमने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु और बांधव, जब 30 तारीख को आपका जनादेश पूर्णिमा सिंह जी को मिला, मथुरा बाबू को मिला, मुझे, ये सत्ता जहर है मैं स्वीकार करता हूं, और शायद मैं भी होता, हमारी भी सरकार होती तो चुनावी साल में सारे हथकंडे अपनाती है, जैसे महाभारत में अपनाए गए, रामायण में अपनाए गए, विभिन्न मानकों को तय करते हुए बताया गया। झूठ और फरेब आज नहीं है, पहले से भी है। अशस्तमा हता नरवा गजा युधिष्ठिर से बुलवा लिया गया, जिसे धर्मराज की संज्ञा हम देते हैं। लेकिन जिसके हाथ में चाबी होती है जिम्मेदार वो होते हैं। खैर जो भी था, हमने बजट लेके आया, वो बजट जो सिर्फ हम लोग ओथ लिए और सामने आ गया, और बजट पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे कि सडन डाई विधानसभा का लगाना पड़ा, आपको मालूम है लोकसभा को लगाना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, ठहर गई जिंदगी। अपने पूरे जीवन काल में लोगों ने ऐसी बंदिशों को नहीं देखा होगा, सहम गए लोग, डर गए लोग, बंद हो गए ऑफिस, बंद हो गई संसदियां, ठप हो गई रेवेन्यू कलेक्शन, जीरो हो गया, विकास का पहिया थम गया। नेतृत्व आए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने सरकार पे विश्वास है या नहीं है या नहीं है? किसान को कभी हमने वोट बैंक नहीं माना कि चुनावी साल में आशीर्वाद और सम्मान दे दें इनको। किसान का बेटा हूं और किसान को हमने हमेशा परिवार माना है, दुख दर्द से उनका वास्ता है, चुनौतियों तो 1 रुपया ले लो, 50,000 के कर्ज माफ कर दिल, हाँ कर दिल, वाह 20 साल झारखंड को बने हो गए, कभी किसान का 1 रुपया कर्जा किसी ने नहीं माफ किया। आज जब हमने 50,000 तक के कर्ज की माफी की, 9,07,000 किसानों को इसका लाभ दिया, धनबाद में माइंस एरिया होते हुए भी 21,000 किसानों को लाभ मिला, और किसानों को भी लाभ दूंगा, मथुरा बाबू का भी मन भरा नहीं है। सच बोलते हैं, आपने 2 लाख का वादा किया था, हमने कहा ठीक है भाई किया था, ये मेरा पहला साल है, भरोसा रखो। आपने भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, आपका 2 सरकार बन गया, हम तो शुरुआत फर्स्ट साल में। मैंने कहा एक मेंटल को भेजना है, तो तुम्हारा सांसद विधायक कहाँ है, वो अखबार में दे देंगे, नहीं मिल रहा, महीना हो गया, आपका डीसी साहब कहाँ आपका काम किया? मैंने कहा करेंगे भाई, सरकारी प्रक्रिया में देर होता है कि नहीं? अब जितना बच्चा का इस साल बर्थडे मनाया, 21 साल में ब्याह होगा ना, आगे पीछे होता है कि नहीं? तो योजनाएं आए हैं, एक ही बार सबको घर पास कर दिए, कहां से लाइएगा बालू, कहां से आएगा मजदूर? जय किसान। कौन दिनों का माला धनबाद प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोगी समिति द्वारा माननीय मंत्री को भेंट किया जा रहा है। अरे भाई,
इक्कीस और बहुत ही भरीभरकम नाला है 51 किलो का। ये जनपद जिला महिला विभाग के तरफ से 51 किलो का माला मंत्री जी को पहनाया जा रहा है। ये निकाय दीवार और राजू मालाकार के तरफ से ये हमारे मित्र देंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा मंचासीन अतिथिगण। तो अभी हमारे जो कृषि मंत्री है सर्वाधिक पतले वो अभी जो स्टॉल लगाया हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए इस तरह से निरीक्षण हो रहा है। सर रुकिए सर सर देखिए ये बड़ा मस्त है आगे बढ़ते रहिए मंत्री जी ये बड़ा ये मथुरा भाव को मैडम मैडम हटो छोटे छोटे नीता जा नीता जा चलिए थोड़ा सा किनारे किनारे चलिए डीएफओ साहब क्या वितरण है सर तो बराबर आइए आइए सर हाँ बाबू आ रहे आ रहे भीड़ बहुत बढ़ गई है ना गर्मी बढ़ गई भीड़ के साथ साथ चल फिर बना दी चल 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 जाए जाए लीजिए 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 बड़ा वाला मत बड़ा दे लीजिए फोटो ग्लास कप है नहीं सर मिर्गल है मिर्गी हाँ मिर्गी नहीं सर मिर्गल सर दो मोकेट भी कते किले को पंटी काशीपुर गया ना ना काशीपुर या पोल्ट्री लाओ की काशीपुरिया टा लाओ माने इटी पोल्ट्री ना लाओ
क्या कारण है कि ये पोल्ट्री नहीं है? जर्सी वेलो अगर दोगली जर्सी वेलो ना दोगली अच्छा अच्छा ये तो मैंने जर्सी हम गाय सुने थे और अभी जर्सी मुर्गी भी आ गया बहुत अच्छी बात है। और इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं, यही है इंटरेस्टिंग चीज। किसानों को रियायत मिलेगी क्या, क्योंकि डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है? देखिए ये पूरे देश के का मुद्दा है, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इस पर लोकतांत्रिक तरीके से मांगे भी हो रही है। जो परिस्थितियां हैं राज्य में, राज्य को चलाने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए। कोरोना काल में रेवेन्यू कलेक्शन अब किसानों को हमने ऋण माफ़ी दे के 9,07,000 किसानों को फिर से उनके उम्मीदों को जिंदा करने का प्रयास किया। सिर्फ ऋण माफ़ी नहीं किया है, इसका ऋण माफ़ी किया उसको फिर से ऋण देने का भी प्रावधान किया। एक संजीवनी और हम आपको आप खड़े हुए टेक्निक को अपना जो गाइडलाइंस हमारे साइंटिस्ट दे रहे हैं उसको उसी से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। परंपरागत तरीके से करते आने पर गुणात्मक विकास नहीं, इन चीज़ों को हम अपने संगोष्ठियों के माध्यम से किसान भाइयों के साथ मोटिवेट भी करते हैं। आप चाहिए आप जहाँ चाह है वहाँ राह है, चीर के जमीन उम्मीद को बनाने में आइए। हम किसान हैं, चैन से चलते जाना उस तक तो उतर आ आराम से लो आराम से करो आराम से करो सरिया सबसे पहले मैं कई सारे मुद्दे आपने रखे आज यहाँ पर जो है एक उत्साह वर्धन के लिए एक किसानों से जुड़ने के लिए कोविड के समय में जो दूरी बढ़ गई थी और सबसे बड़ी बात जो कृषि ऋण माफी योजना आई उसका क्रियान्वयन हो रहा है उसको लोगों तक आम जनता तक पहुँचाने के लिए जो है हर जिलेवार जो है ऐसी संगोष्ठी की जा रही है 24 जिलों में और हमारे माननीय मंत्री की गई है। तो मुझे लगता है राज्य को ध्यान में रखते हुए कल ही आपने पढ़ा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र अपने जो है टैक्सेस कम करे, राज्य भी सोचे दोनों तरफ करना चाहिए ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके क्योंकि सीधे तौर पर वो उस पर भी निर्भर हैं। सीजना माते नेरो से पपीता में द्वितीय प्राइज मिला इनको, कृपया करके मंच के सामने। पूर्णिमा नेरो सिंह जो कि झेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने अपने अभी प्रेस वाला को इंटरव्यू देते हुए जो अपने किसानों के बारे में जिससे वो अच्छा देखिए अभी हमारे ढोकरा के संजय माते जो उनको गांठ गोभी में पुरस्कार मिल रहा है। और अभी से विराम लेंगे, विराम लेंगे उसके बाद फिर प्रोग्रेस का प्राइस का वितरण होगा। मीरा देवी धोबनी, मीरा देवी जी कौन है, मीरा देवी जी कौन है? ठीक है छोड़िए, कूपन हम लोग को पता। गेंद लावाडी प्रखंड तोपचाची पिंटू कुमार मातो गेंद नवाडी पपीता पिंटू कुमार मातो भोलानाथ मातो ग्राम तेतुलिया डार प्रखंड बागमारा भोलानाथ मातो बागमारा प्रखंड से सेकंड प्राइज गांठ गोभी में, मोहित कुमार ग्राम गुंडवा से प्रखंड बागमारा गांठ गोभी में तृतीय, क्षीरोधर मातो तोपचाची प्रखंड से अमरूद में प्रथम, तो चाची प्रखंड से
खीरोधर महतो जी आ गए हैं। पिंटू कुमार महतो प्रखंड तोपचाची से अमरूद में द्वितीय। आशीष कुमार महतो प्रखंड बलियापुर से कद्दू में द्वितीय। आशीष कुमार महतो आजकल बच्चे भी पीछे नहीं, बच्चे मानते सच्चे आज कृषि मेला में प्राइज लेते हैं। अशोक मंडल प्रखंड धनबाद से फूल में प्रथम। अशोक मंडल प्रथम, ये हमारे प्रखंड मंडल समाज के अशोक अपने बारे का इंतजार बहुत देरी से कर रहे थे और अभी उन्होंने प्रथम प्राइज हासिल किया है जो कि इनका नर्सरी है ढोकरा में। कुछ विलम्ब हो रही है उन्हें प्राइज लेते हैं। पूरन मल्लिक प्रखंड बलिया। सब फील हो रहा है आपको बताइए? कैमरा आधे सब इंटरव्यू ले पे है। नहीं नहीं बताइए आपको फर्स्ट प्राइज मिला? रंजीत मल्ला प्रखंड धनबाद मछली में प्रथम। रंजीत मल्ला प्रखंड धनबाद। आगे के बारे में बताइए, आगे क्या सोचे हैं? देखिए काफी शर्मा रहा है मंडल बाबू। हिमानी देवी ओम प्रकाश प्रखंड टुंडी से बकरी में द्वितीय। ओम प्रकाश प्रखंड टुंडी। संतोष गोरई प्रखंड कलियासोर से बकरी में प्रथम। संतोष आनुम्बी देवी प्रखंड टुंडी से मुर्गा में प्रथम। आनुम्बी देवी प्रखंड टुंडी। धानेश्वर महतो प्रखंड बलियापुर से नीबू में तृतीय। धानेश्वर महतो ग्राम डांगी प्रखंड बलियापुर। रमेश चंद्र महतो चैनपुर गांव प्रखंड निरसा से नीबू में द्वितीय। रमेश चंद्र महतो प्रखंड निरसा से नीबू में द्वितीय। तो फ्रेंड्स अभी आकाश कुमार सेन प्रखंड टुंडी कोहड़ा में प्रथम। आकाश कुमार सेन के लिए और एक संजम के लिए दोनों ही फर्स्ट प्राइज है तो बहुत खुश हूँ। और आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शत्रुघ्न महतो प्रखंड बलियापुर चैनल को मूली में तृतीय। शत्रुघ्न महतो प्रखंड बलियापुर ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।